कि किससे पूछकर ये सीयूईटी का कट ऑफ सिस्टम लाया गया। हम एक ऐसे देश में रहते हैं 75 साल आजादी के बावजूद एक घिनौनी दोहरी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में मौजूद है कि पिछले 30 सालों में हमें नए नए अय्याशी के अड्डे खुलते हुए दिखते हैं इस यूनिवर्सिटी के आस पड़ोस। जो मेरिट लिस्ट, जो कट ऑफ लिस्ट कल जारी हुई है, जो साफ तौर पर गरीब छात्र विरोधी है, सरकारी स्कूल के छात्र विरोधी है, उसके खिलाफ अपना गुस्सा, अपना आक्रोश दर्ज करने के लिए आज हम मजबूर हुए हैं। हम एक ऐसे देश और समाज में रहते हैं जहां साल दर साल शिक्षा की जो नीति है उसको गरीब छात्र के हित में बनाए जाने की बजाय लगातार आपदा के समय में भी अवसर ढूंढते हुए पूरी कोशिश की जाती है, हर संभव कोशिश की जाती है कि हर दूसरी, हर अगली नीति के साथ किस तरीके से बहुसंख्यक गरीब छात्रों को किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था से बाहर बेदखल किया जा सके। हम आज एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है जहां पर एक बहुसंख्यक हिस्सा छात्रों का जो सरकारी स्कूलों से आता है उनसे कहा जाता है कि ये देखिए यूनिवर्सिटी की ये जो बड़ी सी दीवार आपको दिख रही है इसे आपको पार करना है एडमिशन लेने के लिए, लेकिन शर्त ये रखी जाती है कि अगर आप संसाधन संपन्न परिवारों से अर्थात बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से आते हैं तो आपके लिए एक सीढ़ी होगी जिससे आप चढ़कर दाखिला ले सकते हैं, और जो सरकारी स्कूल से आने वाले छात्र हैं उनसे कहा जाता है कि ये लो हथौड़ा, अगर इस दीवार को अपने हाथ से तोड़ के गिरा पाओ और अंदर जा पाओ तो ठीक है, वरना इस शिक्षा व्यवस्था को तुम्हारी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसे 60 साल से ज्यादा ये एहसास ये नीति लाने में लग गए तथा कथित आजादी के बावजूद कि इस देश को राइट टू एजुकेशन की जरूरत है, और उसके बाद साल 2020 में आनन फानन में साफ तौर पर बहुसंख्यक गरीब छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति लाई जाती है। हमारा ये सवाल है शिक्षा व्यवस्था से, दिल्ली विश्वविद्यालय से कि किससे पूछकर ये सीयूईटी का कट ऑफ सिस्टम लाया गया। क्या इसके लिए सरकारी स्कूल के छात्रों से पूछा गया कि क्या वो सीयूईटी चाहते हैं, या फिर केवल और केवल कॉर्पोरेट सेक्टर, अमीर के बच्चों और कोचिंग इंडस्ट्री के साथ साठगांठ करके इसको लाया गया। हमारे देश की शिक्षा नीति की जो दिशा होनी चाहिए थी साथियों वो ये होनी चाहिए थी कि जो सरकारी स्कूल के बहुसंख्यक छात्र आज तक कहने को तो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है ये देश कि 75 साल आजादी के आप दम्भ भरिए, गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं। आप एक बात बताइए, इस यूनिवर्सिटी के अंदर साल दर साल इसी दिल्ली के राज्य के बहुसंख्यक सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को जब 12वीं के बाद दाखिला नहीं मिलता और उनकी 13वीं हो जाती है तो किस मुंह से कहे कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले सालों तक लगातार एक मेरिट की दीवार इस यूनिवर्सिटी के आगे लगी हुई थी जिसमें लगातार कट ऑफ निकाले जाते थे, और पिछले कई सालों से उस मेरिट लिस्ट में 100% से दाखिले होने शुरू होते थे। फिर क्या कहा गया शिक्षा व्यवस्था द्वारा और यूनिवर्सिटी द्वारा कि अब हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे, अब हम सीयूईटी लेकर आएंगे। आप एक बात बताइए, जिसको आप सीयूईटी कह रहे हैं उसके पारित होने के पहले सीयूईटी की कोचिंग, सीयूईटी की कोचिंग इंडस्ट्री मशरूम होने लगी, इसके पीछे क्या कारण है? सरकार और यूनिवर्सिटी साफ तौर पर सरकारी स्कूल के छात्रों को ये संदेश दे देना चाहती है कि अगर आपकी जेब में पैसा है, अगर आप महंगे महंगे निजी स्कूल
या महंगी महंगी प्राइवेट कोचिंगे अफोर्ड कर सकते हैं, तब तो आप सपना देखिए कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की उम्मीद रख सकते हैं। वरना आप इस देश में जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम है, जैसे कि इस दिल्ली विश्वविद्यालय का मुक्त शिक्षा विद्यालय अर्थात शिक्षा से मुक्ति विद्यालय, इग्नू, एनसीवेब, इन सब में आप छटते रहिए और इस देश में सस्ता मजदूर बनने के लिए आप मजबूर होते रहिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं 75 साल आजादी के बावजूद एक घिनौनी दोहरी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में मौजूद है, जहां पर इसी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर का बच्चा, शिक्षा मंत्री का बच्चा, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चा सरकारी स्कूल नहीं जाता है, प्राइवेट स्कूल जाता है, और जो सफाई कर्मचारी का बच्चा है, जो रोज गटर साफ करने को करके अपनी जान खोने के लिए मजबूर है, उनके बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल तक भी उनका पहुंच पाना दूभर हो गया है। और उसके बाद इस तरीके की लगातार ये जो कट ऑफ के थ्रू मेरिट के नाम पर लगातार सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों की आज भी एक लव्य की तरह उनका जो अंगूठा काटा जा रहा है, ये साफ तौर पर बहुसंख्यक छात्रों की, इस समाज के बहुसंख्यक गरीब हिस्से से आने वाले छात्रों की शिक्षा से, समान शिक्षा से बेदखली का सीधा सीधा रास्ता साफ करता है। यहाँ पर जून के महीने में हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे 21 दिनों तक, जहाँ पर हमारी ये मांग थी कि पिछले 30 सालों में हमें नए नए अय्याशी के अड्डे खुलते हुए दिखते हैं इस यूनिवर्सिटी के आस पड़ोस, पब खुलता दिखता है, सिनेमा हॉल खुलते दिखते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, लेकिन क्या कारण है कि इस शिक्षा व्यवस्था को ये नहीं महसूस होता कि एक नए कॉलेज की भी जरूरत है हमें? क्यों ऐसा है कि लाखों लाख छात्र अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए, लेकिन दाखिला महज 70,000 सीटों पर होता है, और लाखों लाख सरकारी स्कूल से आने वाले छात्र, वंचित समुदाय से आने वाले छात्र मजबूर होते हैं इस हायर एजुकेशन, फॉर्मल मोड हायर एजुकेशन से छट जाने के लिए? तो हमारी मांग है कि जब तक नए कॉलेज नहीं खोले जाते हैं, तब तक जितने 80 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, सभी में इवनिंग मोड में क्लासेस चलाई जाए। और सरकारी स्कूल से जो छात्र आते हैं यहाँ पर दाखिला लेने, जिनका सरकारी उच्च शिक्षा व्यवस्था पर पहला अधिकार होना चाहिए, उन्हें दाखिले की प्रक्रिया के दौरान 20% रियायती अंक दिए जाए, ताकि इस सरकारी उच्च शिक्षा व्यवस्था पर जिस सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों का पहला अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार कम से कम 75 साल आजादी तथा कथित आजादी के बाद तो उन तक पहुंच सके। हम किस बात का दम भरे आज भी, अगर एक विश्वविद्यालय में सफाई कर्मचारियों के बच्चे और वाइस चांसलर के बच्चे एक समान शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पा रहे, उन्हें समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते साथियों कि किसी भी तौर पर हम एक बराबरी, एक शोषण मुक्त, एक समान शिक्षा वाले समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम अपने संघर्ष को सरकारी स्कूल के छात्र, डिस्टेंस लर्निंग मोड में पढ़ने वाले छात्र, इस समाज के जो बहुसंख्यक छात्र हैं, वो अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे, ना सिर्फ इस भेदभावपूर्ण कट ऑफ और मेरिट सिस्टम के खिलाफ, बल्कि तब तक जब तक इस देश में हमें एक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल जाती, जहां पर केजी से लेकर पीजी तक, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, चाहे सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, सबको बराबर शिक्षा व्यवस्था वाले, शिक्षा व्यवस्था में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने को मिले, और वो सम्मानजनक रोजगार के लिए, एक सम्मानजनक जीवन के लिए इस देश में बराबरी के हकदार बन पाए, तब तक हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।